रोकी और रानी की प्रेम कहानी। तो भाई साहब ये कोई गाना नहीं है, क्योंकि ये मूवी का नाम है और इतना बड़ा नाम बोल बोल के थक गया हूं, क्योंकि भैया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का उसका ऑफिशियल टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है और साला हमने भी उसको देखा है और हम वही बकचोदी करने वाले हैं कि आखिर ये टीजर बना है, किस तरह का गया और टीजर में आखिर हमको क्या देखने को मिला है। क्या सच में भैया काफी टाइम के बाद हमको बढ़िया रोमांटिक लव स्टोरी देखने को मिलने वाली, जिसमें बड़ी तगड़ी स्टार कास्ट हमको नजर आने वाली, काफी ओल्ड एक्टर भी आप लोग नजर आएंगे तो काफी न्यू एक्टर भी आप लोग नजर आएंगे और करण जौहर की भैया प्रोडक्शन में बनने वाली ये मूवी है। तो फिर जब जब करण जौहर अपने प्रोडक्शन की मूवी लेकर आए और डायरेक्ट करें मूवी, तो फिर वो मूवी में कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है जिनको देखने के लोग काफी एक्साइटेड रह जाते हैं। चाहे आप लोग जितनी भी करण जौहर की मूवीज देख लो, बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि उनमें हमको किंग देखने को मिला यानी एसआर के देखने को मिला और इस बार हमको भाई देखने को मिला रणबीर सिंह और उसके साथ आलिया भट्ट। और बात करेंगे कि इन दोनों की मूवी का ऑफिशियल टीजर जो मैंने देखा है, वो टीजर देखकर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भैया टीजर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तगड़ा टीजर इसलिए लगा क्योंकि टीजर में जो चीजें हमको देखने को मिली है काफी एक्साइटेड करती है कि मूवी आने वाली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भाई आप लोग को पता है कि आजकल बॉलीवुड में आना रोमांस वाली मूवीज बंद हो गई है, क्योंकि रोमांस अब भैया किंग जो था वो तो एक्शन में चला गया, तो रोमांस की मूवीज बनना ही बंद हो गई है, क्योंकि रोमांस जब से बंद हुआ है तो बॉलीवुड ऐसे लग रहा है कि फीका ही हुआ है, क्योंकि यार बॉलीवुड में तो रोमांस मूवीज आनी चाहिए और जब भी आती है तो लोग बहुत ही पसंद कर देते हैं। अगर आप लोग देखो जुग जुग जियो भी बहुत मूवी लोगों को पसंद आई थी, लेकिन अगर बात करें तो फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा रोमांस वाली मूवीज पसंद ही आ जाती है। लेकिन खैर ये मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, ऊपर से भैया आलिया भट्ट इसमें बढ़िया बढ़िया स्टार कास्ट हमको देखने को मिले हो, भैया धर्मेंद्र सर हो, आए हाय 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 क्या मजा आ गया भैया जी नाम सुनकर ही, ऊपर से भैया रणबीर सिंह हो, तो फिर अच्छी उम्मीदें बन जाती है इस मूवी से। मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक लगा। मुझे आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को ये टीजर कैसा लगा और आप लोग एक्साइटेड हुए कि नहीं हुए कि भैया ये मूवी किस तरह का कमाल करने वाली है, क्योंकि भैया ये टीजर की हाइप बहुत दिनों से थी और टीजर बहुत तगड़ा लगा। एक मिनट से ज्यादा टीजर है तो टीजर बहुत अच्छा भी बनाया गया, टीजर मजा भी देता है और टीजर को देखकर अब ट्रेलर के लिए काफी एक्साइटेड मैं रह चुका हूं। तो मुझे जरूर बताएं कि आप लोग टीजर पसंद आया और आप लोग ये मूवी जब आएगी सिनेमा घर में तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे नहीं देखोगे, जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ कहना हो तो मेरे भाई को इजाजत, चलो सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आप लोग सबसे पहले मिलती रहेंगी।